स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप अपने सैमसंग के फ़ोन में वाईफाई पेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे वाईफाई पेयर कर सकते हैं वह बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो अगर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका ऐसे वाईफाई आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर एक बार टैप कर देना है और ये आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। जैसे ही वाईफाई ऑन हो जाता है तो आपका जो भी आसपास में वाईफाई होंगे वो सारे स्कैन करके यहाँ पे शो करेगा। तो जब आपका वाईफाई यहाँ पे शो करे तो आपको उसके नेम पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। पासवर्ड आपका 8 नंबरों का होगा, 8 नंबरों से कम का नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं भी अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो पासवर्ड फिल करने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हो, ये आई बटन दे रखा है यहाँ पर, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है और यहाँ से आप अपना वाईफाई का पासवर्ड चेक कर सकते हैं। तो बस फिर आपको यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, जो ब्लू वाला ऑप्शन है। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से लोडिंग होने लग जाएगा। जब तक लोडिंग होएगा तो वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो बस इस तरीके से आप भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो बस इतनी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।